उत्तराखंड में कम वोटिंग पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान भी सामने आया। हरीश रावत ने कहा है कि कह सकता हूं कि बीजेपी के वोट में गिरावट आई है और बीजेपी के वोट में 10 से 15% की गिरावट आई। बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है और बीजेपी का 400 पार का नारा पूरी तरह से पूरा नहीं होगा और फ्लॉप होने वाला है। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा का पढ़ने वाला मतदान जो 2019 में 2014 में उनको गया था या विधानसभा के चुनाव में उनके पास गया था उसमें करीब 10 से लेकर 12% की गिरावट आई है। और जो हमको पढ़ने वाला मतदाता जिसको हम लक्ष्य बना करके चल रहे थे और जो मतदाता भाजपा की नीतियों से खिन्न था उस मतदाता के परसेंटेज में 4 से 5% की वृद्धि हुई। तो इसका अर्थ है कि भाजपा को एक बड़ा लॉस होने जा रहा है। पिछले बार के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत कम रहा जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और कह रही है कि ये सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी है जिसके चलते वोट प्रतिशत कम रहा है। और बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार का, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस बार ये नारा पूरा नहीं होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में दीपांकर भट्ट जुड़ गए हैं। दीपांकर, वोट प्रतिशत कम रहा, लगातार महाकवरेज हमारी जारी रही, लेकिन अब इसी को कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। वो कह रही है कि ये लोगों की नाराजगी है जिसके चलते वोट फीसदी कम रहा इस बार। बिल्कुल, हरीश रावत का यह बयान आया और उन्होंने दावा किया है कि ये जो वोट परसेंटेज कम हुआ है ये कहीं ना कहीं बीजेपी का लॉस है। हालांकि उनका दावा है, किसका दावा, कितना पुख्ता होगा 4 जून को पता लगेगा। हमने मुख्यमंत्री की बात भी सुनी, मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी का वोटर निकल के आया है, बाकी पार्टियां अपने वोटर को या लोगों को कन्विंस करने में सफल नहीं रही। तो अब दोनों के अपने दावे, कांग्रेस के और बीजेपी के, एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दूसरे हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री और अकेले एकमात्र कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। तो इस बात को लेकर बहस लगातार चलेगी 4 जून तक कि ये जो वोटिंग परसेंटेज आया है, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, जो 2014 में बहुत ज्यादा था तो 5 सांसद यहां बीजेपी के जीते, जो 2019 में ज्यादा था तब 5 सांसद बीजेपी के जीते, 2024 में इसके कम होने के क्या मायने हैं। तो कम होने की तमाम वजह बताई जा रही, जैसे बहुत ज्यादा कल धूप बहुत ज्यादा थी, इस वजह गर्मी को एक वजह माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि फसल थी, फसल होने की वजह से, कटाई की वजह से लोग वोट देने नहीं आए, शादियां बहुत ज्यादा कल की तारीख में थी इस वजह से लोग वोट देने नहीं आए। तो अपने अपने तर्क हैं, अलग अलग वजह, लेकिन एक्चुअल वजह क्या है, क्यों वोटर घर से निकलकर नहीं आया? जो वोटर घर से निकलकर नहीं आया वो क्या बीजेपी का वोटर था, क्या वो कांग्रेस का वोटर था? ये सारी बातें 4 जून को क्लियर होंगी। लेकिन ये पॉलिटिकल एक माइलेज लेने की कोशिश होती है, हमेशा राजनीति में पार्टियां ये कोशिश करती है, नेता ये कोशिश करते हैं कि अपनी बात को सामने रखा जाए, पब्लिक के सामने कम से कम अपना कॉन्फिडेंस जरूर दिखाया जाए। तो अब बीजेपी अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है, कांग्रेस अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है जो कॉमन बात है कि कल दोपहर के बाद कई जगहों पर वोटर्स कम संख्या में देखे, पहली बात। दूसरी बात कि यूथ, जिस पर बीजेपी खासतौर पर बड़ा भरोसा करती है, वो इस चुनाव में नजारा दिखा। हालांकि महिलाएं, अगर आप बात करेंगे कि 30 साल से लेकर और लगभग 55 साल की महिलाओं की, तो बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की है जिन्होंने कल वोट दिया। लेकिन दीपांकर, वोटिंग परसेंटेज से अंदाजा कई बार लगाया जाता है और जब परसेंटेज कम होता है तो कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी दावा करते हैं कि ये सरकार को लेकर नाराजगी है, लेकिन अब ये दावे कितने सही होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और एक्सपर्ट्स के, ये तो खैर 4 जून को ही पता चलेगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है और 5 सीटों पर 55 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है, जिस पर 4 जून को फैसला होगा। वहीं देहरादून जिले में 1880 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी मतदान करवाने के लिए, जिसमें से दूरस्थ इलाकों में मतदान करवाने गई पार्टियां देर शाम तक स्ट्रांग रूम में पहुंचेंगी। और देहरादून जिले के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज में स्ट्रांग रूम तैयार किया गया है जिसकी सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी की गई है, जिसमें 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे के साथ में निगरानी रहेगी। इसके अलावा 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था भी है। ईवीएम मशीनों को सीलिंग करने के दौरान प्रत्याशियों को भी प्रशासन द्वारा मौके पर बुलाया गया था, जिसमें से कई प्रत्याशियों के समर्थक भी सीलिंग के दौरान पहुंचे, साथ ही व्यवस्थाओं को भी अच्छा बताया ये प्रत्याशियों के द्वारा कहा गया।
कि हमको गलत बता देते हो कभी भी। अब जब वीवीपैट आपके सामने लगी है तो जब आप वोटिंग कर रहे हैं ग्रीन बटन दबता है तो उसमें आपका जो आप जिस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं वो आ रहा है, उससे ज़्यादा क्या है। अब ये तो खिसियाई बिल्ली छींचड़ा नोचने वाली बात हो गई। हमारे यहाँ पे अभी पूरी 9 विधानसभाओं की हमारे पास ईवीएम साहब ही गई हैं और सीलिंग भी हो गई है। चक्राता की कुछ पार्टियाँ आनी बाकी हैं और उसके बाद हम लोग अपनी हमारी जो 10वीं विधानसभा है उसकी भी ईवीएम्स की सीलिंग कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने 3-लेयर सिक्योरिटी जो होती है लगाई है, पहले CAPF, उसके बाद PSC, उसके बाद पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स, और उसके ही क्रम में फिर ब्रीफिंग भी हुई है यहाँ पे और सारी व्यवस्थाएँ अब इंटैक्ट हैं। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुका है, मतदान पूर्ण हो चुके हैं और देर शाम यानी शुक्रवार की शाम से ईवीएम मशीन भी वापस अपने अपने स्ट्रांग रूम की तरफ आने लगी हैं। आप देख सकते हैं आज अभी भी ये कुछ ईवीएम मशीनें यहां पे पहुंची हैं। सर कहां से आप लोग आए हैं और क्या कुछ देखने को मिला है इस टाइम? मैं जोनल मजिस्ट्रेट 15 विधानसभा क्षेत्र चक्राता से हूँ और हमारे टोटल 8 सेक्टर थे और बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है। और हमारी कुछ पार्टियां 2 सेक्टर की 9 पार्टियां P-2 पे प्रस्थान करी थी जिनका आगमन आज हुआ है और P-1 वाली 6 सेक्टर की पार्टियां जो है कल आके अपना जो है सामान जमा करा दी हैं। अच्छा सर, इस समय कुछ व्यवस्थाएं भी बदली गई थी चुनाव, आपने क्या इससे पहले भी इस भाग लिया था? हाँ, मैंने पहले भी जो है चुनाव कराए हैं और जैसा कि चुनाव एक बहुत ही अच्छी निर्बाध व्यवस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है जिसमें किसी भी तरह की शिथिलता, किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती है और उसी तरह से हमेशा एक अच्छे सुधारात्मक प्रक्रिया की तरह इस बार भी बहुत से चेंजेस किए गए हैं। जैसे PWD वोटर और ओल्ड एज वोटर को घर घर जाके कराया गया है तो ये काफ़ी राहत हुई है। तो हर समय सुधार के प्रयास चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं, इस बार भी किए गए हैं। कर्मचारी की व्यवस्थाओं की बात करें, आप लोगों की किस तरह की व्यवस्थाएं इस टाइम चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने हम लोगों की व्यवस्थाएं जो बेसिक व्यवस्थाएं होती हैं रहने खाने की वो उपलब्ध कराई गई थी बूथ पे और एक अतिरिक्त रिजर्व मशीनें भी इस बार पीठासीन अधिकारियों को दी गई थी कि किसी भी तरह की समस्याएं तो चुनाव में किसी तरह की बाधा न हो और चुनाव बाकी सामान्य और अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। बिल्कुल, लोकसभा का जो ये चुनाव है अगर हम देहरादून की बात करें तो बिना किसी विघ्न बाधा से ये संपूर्ण हुआ है और अब जो चुनाव जो पोलिंग पार्टियां जो रवाना हुई थी पहले वो धीरे धीरे वापस आना भी शुरू हुई है। देहरादून में करीब 1880 पोलिंग पार्टियां थी जो कि अलग अलग जो विधानसभाओं में चुनाव कराने गई थी और अब ये पोलिंग पार्टियाँ जैसी रवाना हो रही हैं और यानी कि आप ये समझ सकते हैं देहरादून के 11 जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत का ताला अब इन स्ट्रांग रूम यानी कि आप देख सकते हैं कि अब ये स्ट्रांग रूम में ये मशीनें रखी जाएंगी और स्ट्रांग रूम के लिए हर प्रकार की व्यवस्था भी यहाँ पे प्रशासन द्वारा की गई है। 3-लेयर प्रोटेक्शन में ये रहेंगी, साथ ही CCTV का भी 24 घंटे इन पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सत्येंद्र बर्तवाल, News 18 देहरादून। पहले चरण की वोटिंग के बाद में हरिद्वार के BHEL स्थित केंद्रीय विद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच में 4 जून तक ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में ही बंद रहेंगी। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए 3-लेयर की सुरक्षा तैयार की गई है, साथ ही CCTV कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही है। प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी 4 जून तक स्ट्रांग रूम के बाहर बने कंट्रोल रूम से ईवीएम मशीनों की सुरक्षा की निगरानी कर सकते हैं। चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद हरिद्वार लोकसभा के सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इस वक्त हम हरिद्वार के BHEL स्थित केंद्रीय विद्यालय में मौजूद है और यहां पर एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इसी स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम रखी गई हैं। कल शाम जब वोटिंग समाप्त हुई उसके बाद देर रात तक पूरी रात यहां पर जो पोलिंग पार्टियां हैं उनके वापस लौटने का सिलसिला जारी रहा और पूरी रात यहां पर जो है ईवीएम मशीनें हैं उनको जमा कराया गया है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। और अल्मोड़ा जिले में इस बार पहली बार ITI NTD में स्ट्रांग रूम बनाया गया। जिले की सभी 6 विधानसभाओं की ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखकर कमरों को सील कर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ईवीएम की कड़ी सुरक्षा की जाएगी और चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं और उसी के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
पहले चरण की वोटिंग हो जाने के बाद में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत कम वोटिंग परसेंटेज के परिणामों को अपने पक्ष में बता रहे हैं। वीरेंद्र रावत का कहना है कि लोग अगर सरकार से खुश होते हैं तो बढ़ चढ़ कर वोट करते हैं, लेकिन कम वोटिंग प्रतिशत दर्शाता है कि लोग सरकार से संतुष्ट नहीं है। वीरेंद्र रावत ने कहा है कि उन्होंने कड़ी मेहनत से चुनाव प्रचार किया, हालांकि टिकट देर से फाइनल होने के चलते वे हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए। वहीं वीरेंद्र रावत का कहना है कि हरिद्वार लोकसभा की वोटिंग हो गई है, लेकिन चुनाव परिणाम आने तक पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगे। देखिए, जब सरकार अच्छा काम करती है तो लोग खुल के उनके पक्ष में आते हैं, लेकिन यहाँ सरकार विरोधी लहर थी और वो सरकार के विरोध में जाएगा ये मामला। बिल्कुल मैं हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया, जबकि पहले से ही हम लोग कार्य कर रहे थे तो, लेकिन फिर भी हम हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए, इसका मलाल ज़रूर रहा।